नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS Academy पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक अपचयन व उपचयन अभिक्रिया लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपचयन क्या होता है, उपचयन क्या होता है, इनसे संबंधित एग्जाम्पल्स भी यहां पर देखेंगे। साथ में हम बात करेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, इससे संबंधित भी उदाहरण यहां पर देखेंगे। विद्यार्थी, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से संबंधित ये हमारा 7वां वीडियो है। हमने एक एक करके सभी टॉपिक्स को कवर किया है। पहले ही वीडियो से हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखे हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित करते हैं। उसके पश्चात हमने कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखे। उसमें हमने देख लिया था संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। 7वीं वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के ही विशेष प्रकार अपचयन व उपचयन अभिक्रिया देखेंगे, साथ में रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करेंगे। जो हमारा 8वां वीडियो होगा वो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से संबंधित होगा। 9वां जो वीडियो होगा वो संक्षारण से संबंधित और 10वां वीडियो विकृत गंधता से संबंधित होगा। तो इस चैप्टर के छोटे छोटे 10 वीडियो है, जिससे आप इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, आसानी से उन्हें समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस वीडियो का पहला पार्ट स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, उपचयन अभिक्रिया किसे कहेंगे। तो विद्यार्थियों, उपचयन अभिक्रिया की डेफिनेशन हम दो तरीके से दे सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का ह्रास होगा, मतलब हाइड्रोजन की कमी हो। दोनों में से एक आप समझ सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो यदि बढ़ रही है, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तो उस अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, यहां पर एक बार इसके डेफिनेशन देख लीजिए कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। कि ऐसे अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की कमी होनी चाहिए या ऑक्सीजन की वृद्धि होनी चाहिए, तो उस अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर देखेंगे। देखिए, पहला जो एग्जाम्पल है वो है कार्बन यदि ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। यहां पर आप देखेंगे कि कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, एड हो जाता है, तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो यहां पर उपचयन हो रहा है, उपचयन अभिक्रिया हो रही है। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे कि ये हमारे पास में है कॉपर। कॉपर जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। कॉपर में भी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, यहां पर कॉपर भी ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, तो यहां पर भी उपचयन होता है। तीसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे कि मैग्नीशियम है, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, यहां पर भी मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन जुड़ता है, एड होता है, तो ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती है, तो उस अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट इसका पार्ट देख लेते हैं, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया के अंदर उपचयन का जस्ट उल्टा होगा, यहां पर हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। यहां पर क्या होने वाली है, हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की कमी, या क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। तो ऐसी अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो देखिए, डेफिनेशन एक बार देख लीजिए कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा
ऑक्सीजन की कमी हो तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं कि देखिए क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस है यहाँ पर आपस में मिलती। पहला ही एग्जाम्पल देखें, ये हमारे पास में क्लोरीन गैस है, ये हमारे पास में हाइड्रोजन गैस है। दोनों गैसें आपस में मिलकर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण कर लेती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन तो है नहीं इसमें, लेकिन हाइड्रोजन है उसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है। हाइड्रोजन यहाँ पर एड हो रहा है। तो हाइड्रोजन जब जुड़ता है, हाइड्रोजन जब एड होता है तो वहां पर देखो क्लोरीन का अपचयन हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया प्राप्त होती है। ऐसी अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे कि हमारे पास में यह है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक का निर्माण होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो यहाँ पर इस जिंक ऑक्साइड के अंदर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे कि यहाँ से जब ये बनता है तो इसके अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ओ की कमी होती है। जब ओ की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहाँ पर अपचयन होता है। इसमें आप देखेंगे हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन जुड़कर इसकी मात्रा में वृद्धि करता है तो अपचयन होता है। या तो यहाँ पर हाइड्रोजन की वृद्धि होगी या ऑक्सीजन की कमी होगी, तो उस अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे पास में है रेडॉक्स अभिक्रिया। जो रेडॉक्स अभिक्रिया है वो आपको तभी अच्छे से समझ में आएगी जब आपको अपचयन और उपचयन दोनों अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, जहां पर ऑक्सीडेशन अपचयन और उपचयन दोनों हो, तो उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर? कि जहां पर अपचयन और उपचयन, ऑक्सीडेशन और अपचयन दोनों होता है, तो हम उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल के जरिए इसे भी समझ लेते हैं। उदाहरण हमारे पास में यह है कॉपर ऑक्साइड और यह है हाइड्रोजन गैस। तो कॉपर ऑक्साइड के अंदर से ये एक कॉपर बनता है और H2O बनता है। इसको अच्छे से समझ ले कि ये हमारे पास में कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से बनता है कॉपर। तो ऑक्सीजन की कमी हुई यहां पर, ओ की कमी, और जब ओ की कमी होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम अपचयन कहते हैं। उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। तो यह आपको समझ में आ जाना चाहिए। इस हाइड्रोजन को गौर करके देखो, हाइड्रोजन के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ चुका है, ओ की वृद्धि हुई है यहाँ पर। ओ की जब वृद्धि होती है तो उस अभिक्रिया को हम उपचयन कहते हैं। तो यहाँ पर अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ में हो रहे हैं, तो इस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब है कि जहां पर दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ में होगी, अपचयन भी और उपचयन भी, अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ में होती हैं, तो उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो अपचयन के अंदर तो ओ की कमी होती है, ओ की कमी होती है, और उपचयन के अंदर ओ की वृद्धि होगी। आप इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन की यहां पर वृद्धि होगी या उपचयन के अंदर हाइड्रोजन की कमी भी हो सकती है। ओके, तो ये थी रेडॉक्स अभिक्रिया। और यहाँ पर देखो इस अभिक्रिया को आप और कैसे समझ सकते हैं कि इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है। कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर के अंदर क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर के अंदर अपचयित हो जाएगा क्योंकि अपचयन हो रहा है। और हाइड्रोजन है वो
H2O के अंदर उपचयित हो जाता है, ये दोनों हैं। तो हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है, यहां पर थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, यहां पर आएगा उपचयित, उपचयित होकर जल का निर्माण करता है। तो इस अभिक्रिया में अपचयन उपचयन दोनों साथ हो रहे हैं, अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो विद्यार्थियों ये थी रेडॉक्स अभिक्रिया, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको इस चैप्टर से संबंधित जो हैंड रिटन नोट्स है वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन है वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन है BCS Academy, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और यहाँ पर आपको इस चैप्टर से संबंधित नोट्स और वीडियोज मिल जाएंगे। देखिए आप इन नंबर पर व्हाट्सएप करके भी हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, आपको केवल और केवल इन नंबर पर व्हाट्सएप करना है, ठीक है। तो विद्यार्थी तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपको अपचयन उपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बताया हमने। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।